हाँ, ज्योतिषाचार्य पंडित के दुबे पद्मेश जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, जैसे कि पिछले दो एपिसोड में हमने बात की थी काल सर्प योग पर, और वो दिन आ ही चुका है। कल है नागपंचमी, और ये वो दिन होगा जब जिस दिन काल सर्प योग का जो दोष होता है इसका निवारण की पूजा की जाएगी। पंडित जी, शुरुआत करना चाहूंगी मैं इस विषय से, लेकिन हालांकि आज मेरे पास बहुत खास बात है आपसे करने के लिए। ये भी जानेंगे काल सर्प योग के बारे में, कल क्या कुछ कर ले, मौका अच्छा है, बात करनी जरूरी है। लेकिन इस वक्त बड़ा सवाल ये है, हर तरफ शोर है, हर तरफ एक ही बात हो रही है कि जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। हम हमेशा बात करते हैं राजनीतिक विषयों पर भी, कुछ हमारे जो देश में घट रहा होता है उस पर बात करते हैं। इस पर भी मैं जानना चाहूंगी कि ज्योतिषीय आधार पर क्या ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं, क्या होने वाला है जम्मू कश्मीर में। प्रारंभ करते हैं काल सर्प से। जी जी, ठीक है। संयोग देखिए कि कल काल सर्प योग भी है जी। कल अगर कोई जन्म लेगा तो उसकी कुंडली में काल सर्प अपने आप हो जाएगा जी। जिनकी कुंडली में काल सर्प योग है, अंगारक योग है, केमिद्रम योग है, गुरुचंडाल योग है, या अर्थात राहु से संबंधित जितने भी योग हैं, राहु और केतु से संबंधित ग्रहण योग है, उन्हें शांति अवश्य करा लेना चाहिए जी। कल का दिन वो खास है। कल होगा, कल एसजीएम प्लाजा 8/226 आर नगर में सुबह 9:30 बजे से शांति होगी। सामग्री के पैसे लगते हैं और उनका इस तरह के जो योग होते हैं ये उनकी शांति कराने की व्यवस्था हम करा देते हैं जी। नागों का त्यौहार है, नाग धरती के लिए बहुत आवश्यक है। हमारी तमाम श्रुत कहानियों में जो स्मृतियां हैं उनमें कहा गया कि जो हमारी धरती का बोझ सह रहे हैं वो नाग सह रहे हैं। अच्छा। और उस पर शेषनाग की बात कही जाती है, और यहाँ तक कहा जाता है कि शेषनाग और कोई नहीं लक्ष्मण जी का ही अवतार था जी। कहाँ तक क्या सच है क्या नहीं है, लेकिन ये जनश्रुति और तमाम प्रकार के ग्रंथों में इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। शेषनाग का आपको चित्र भी दिखाया जाता है चित्रों में, तो कहीं न कहीं अगर आपके सामने शेषनाग है तो भय आएगा जी। हम अपने दरवाजे पर गोबर से, और वो भी गाय के गोबर से, उसको स्थान बनाते हैं, और कोयले से, कोयले को पीस करके जी, और उस पर सर्प बनाते हैं द्वार पर, दोनों तरफ दरवाजे के दोनों तरफ सर्प बनाते हैं। आजकल दरवाजे बड़े महंगे होते हैं तो कागज पर लोग चिपका देते हैं, दरवाजे का ख्याल रखा जाता है। हाँ, दरवाजे का ख्याल रखते हैं दोनों की तरफ से। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, बात तो भाव की है, पूजा की जी। पूजा का एक प्रतीक है, वो गोबर के ऊपर किया जाए या उस पर किया जाए तो सूर्य एक प्रतीक है, और हम नागों की पूजा करते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे मन में तमाम प्रकार के भ्रांतियाँ होती हैं कि अगर हम नाग को दूध पिलाएंगे तो नाग हमें नहीं काटेगा जी। ये भ्रांति है, इसका तथ्य से कोई वास्ता नहीं, इसके है, इसके सत्यता से कोई वास्ता नहीं है। और जहाँ तक मेरा ज्ञान है कि दूध ही नहीं नाग पीता है जी, जो एक परंपरा चली आ रही है, जो रिवाज है, उसका कोई आधार नहीं है। वो सर्प जो है जी, जो सपेरे हैं आपको जगह जगह लेकर के आते हैं और वो दिखाने का प्रयास करते हैं कि आपको दूध, उन्होंने उसको डाल दिया, कई दिनों तक उसको भूखा रखते हैं ताकि हो सकते, और उससे वो फेफड़े पर अगर वो दूध जाएगा उसके सीधे तो उसकी जीवन वह खतरे में पड़ जाता है सांप का जी। लेकिन इस आर्थिक युग में सपेरा भी अपने पेट के लिए जगह जगह मांगता घूमता है, और एक प्रकार से वो चाहता है कि हमारा इतना धन आ जाए इस दिन कि हमको वर्ष भर काम दे, लेकिन ऐसा नहीं है, लोग बहुत समझदार। कुल मिलाकर के सपेरे द्वारा ही लोगों की आस्था के आधार पर अपने लिए की गई व्यवस्था है। हाँ, दूसरा वो ये कहेगा कि हम आपको एक जड़ी बूटी दे देंगे, आपके घर में सांप नहीं आएगा, ये सारी भ्रांतियाँ हैं जी, इनका कोई अर्थ नहीं है, इनका अंधविश्वास पर मत पड़िए। दूसरे ये कि एक मन में आता आपको कि हमने रात को सांप देखा है तो कहीं ऐसा तो नहीं हमारे पूर्वजों का कोई संबंध हो, हमारे घर में कोई गड़ा खजाना तो नहीं है जी, इस तरह की एक भ्रांतियां आपके मन में आती हैं। जुड़ी हुई कई कहानियां, कहानियां,
फिर आपको एक बहुत बड़ी कहानी आती है, विष कन्या, नाग कन्या है। ये केवल फिल्मों में और कथाओं में होती है, यथार्थ में कहीं नहीं होती है। यानी कि विष कन्या विष पुरुष होते ही नहीं है, जो नाग होते हैं और इंसान का रूप धारण कर लेते हैं। नाग कन्या का जो कल्पना की गई है कि वो नागिन बन गई और उसके आंख में देखा और उसने पीछा कर लिया और उसने जन्म ले लिया और उसको आपको काट लिया, ये सारी की सारी फिल्म में स्टोरी हो सकती है, कथाओं में स्टोरी हो सकती है, यथार्थ जीवन में ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। इससे भयग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है कि गलती से अगर आपसे सांप मर गया है तो आपको सांप पीछा करेगा और सांप के सांप ने आपको काटेगी डसेगी, सतर्क रहने में कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन यथार्थ में ऐसा कुछ भी कहीं नहीं होता है। जी, नाग की रक्षा इसलिए करना चाहिए कि वो मिट्टी बनाता है। अच्छा जी, मिट्टी के निर्माण में उसका बड़ा भारी योगदान है। जो हमारी धरती बनी है, धरती का जो लेवल बढ़ता है, उसमें सांप हैं, केचुए हैं, इनका बड़ा योगदान है। ये आपके मिट्टी के निर्माण में इनका वो रहता है जी। दूसरे तरह तरह के ये कीटाणुओं को उनको खाता है, जिनका चूंकि मांसाहारी है तो ये मांसाहारी होने के कारणों से मांस का सेवन करता, तमाम प्रकार की कीड़ाओं को खा जाता है, उससे तमाम लोग जो आपकी फसल को नष्ट करते हैं, आपके घरों को नष्ट करते हैं, उनको ही खाता है। तो हमारा रक्षक भी है सर्प, ऐसा नहीं कि केवल आप उसको डरते हैं, और तमाम प्रकार के उनमें वो हैं। तो काल सर्प योग जो है उसमें सर्प की भी पूजा है, जीवित सर्प की नहीं पूजा है, एक सर्प प्रतीक है जी। भगवान शिव की पूजा होती है, राहु और केतु की होती है, सर्प की माता की पूजा होती है, तो और इसमें काल की पूजा होती है ताकि आपको भय न रहे जी। और जब आप भयग्रस्त जीवन जीते हैं तो आधा तो आप वैसे ही टूटते हैं, मन के हारे हैं मन के जीते जीते, जब आप मन से ही हार जाते हैं तो जीवन में डिप्रेशन, तमाम प्रकार के तनाव आ जाते, अवसाद आ जाते, आए दिन लोग सुसाइड कर रहे हैं, आए दिन लोग हत्याएं कर रहे हैं, आए दिन लोग अपराध कर रहे हैं, ये जो विभत्स चीज़ें हो रही हैं ये केवल आपको डिप्रेशन से बचने के लिए या डिप्रेशन में आने के कारण जी। तो इन सारी सब चीज़ों से बचने के लिए आप धर्म का अगर सहारा लेते हैं तो अच्छा है, और धार्मिक रूप से इनका पूजन करना चाहिए। जिस डिप्रेशन से बचने के लिए हम अपराध की ओर बढ़ जाते हैं, बेहतर होगा कि धर्म का सहारा लिया जाए। दूसरा सवाल था आपका कश्मीर का जी, ये मुद्दा बहुत आजकल चल रहा है, इसलिए मैंने किया जी। ताजा मुद्दा है, मैं जहां कहीं भी जाता हूं और उसमें इस ताजे मुद्दे की चर्चा भी होती है। इसमें इन दिनों में दो चीजें हैं, शनि वक्री है और 18 सितंबर तक बकरी रहेगा, बृहस्पति बकरी है और वो भी 11 अगस्त तक रहेगा जी। बुध अस्त होता रहता है, उदय होता रहता है, मंगल 7 तारीख से सिंह में पहुंच जाएगा, जब सिंह में पहुंचेगा तो बलि हो जाएगा जी। पाकिस्तान अविश्वसनीय देश है जिससे विश्वास नहीं किया जाता, क्या कहता क्या करता जी। मुझे लगता कि वहां के जो शासक हैं वहां के आतंकवादियों पर नियंत्रण करने में असमर्थ हैं जी, और वो खुद उनसे भयग्रस्त रहते हैं। यही कारण है कि शासक वहां का कुछ कहता है और कुछ होता है, क्योंकि उसके बस में ही नहीं होती चीज़ें। हाँ, उसके बस में ही नहीं है। आज भी अमेरिका बार बार धमकी देता है कि हम अफगानिस्तान को खत्म कर देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कहना करना बड़ा कठिन है। आज तक कोई भी देश आतंकवाद को खत्म करने में असमर्थ है, किसी भी देश की बात, किसी भी देश की जी। किसी भी देश की हैसियत ही नहीं है। भारत प्रयत्नशील है और इसी आतंकवाद को समाप्त करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी लगातार अपने वचनों को निर्वाह करने के लिए और एक अच्छी परंपरा देने के लिए एक देश एक कानून एक व्यवस्था होनी चाहिए, उसके तहत कुछ न कुछ अवश्य करेंगे जी। जैसे कि लगातार प्रयास किया जा रहा है, बिल पास कराए जा रहे हैं, इन्हीं सब बातों को भी लेकर के अहम बातें हैं, जरूरी हैं। लेकिन जैसे कुछ लोग, जैसे वहां एक महिला राजनेता है जी,
और बराबर पाकिस्तान की पैरवी करती, उसको इतना अच्छा पाकिस्तान लगता, तो हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान बस जाए। बिल्कुल, उसको अपनी आप अपनी औकात पता चल जाएगी। उस पर साल में कई करोड़ रुपया खर्च होते हैं उसकी सुरक्षा के लिए, भारत का कम से कम इतना तो बचा ही हो जाएगा, जो कि बहुत जरूरी है। हाँ, और ये कर देना चाहिए था। आपने समय बताया था कि जो 3 महीने हैं ये परिवर्तन का समय चलेगा, और लगातार हम देख भी रहे हैं कि किस तरह से कितने बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े तक। मैंने कहा था राज्यपाल बदलेगा, वो हुआ। आप हिमाचल प्रदेश में, मैंने कलराज जी के लिए कहा था कलराज जी कहीं ना कहीं गवर्नर होंगे, तो कलराज जी भी गवर्नर हो गए जी। अभी भी सितंबर तक बहुत सारे परिवर्तन होंगे। हाँ। मंत्रिमंडल में भी परिवर्तन होगा जी, मंत्रिमंडल में भी हाँ। परिवर्तन होगा जी। आप देखिए सत्ता परिवर्तन होगा, मैंने कहा कम से कम एक मुख्यमंत्री बदलेगा, कर्नाटक का मुख्यमंत्री बदल गया अचानक। हाँ, तो ये चीज अभी तो सितंबर बहुत बाकी, अभी तो एक ही महीना हुआ जी, और एक महीने में इतना हो गया। अभी अगस्त है, सितंबर है, क्या लगता है अगस्त में क्या क्या चीजें हो सकती है? जम्मू कश्मीर का मुद्दा तो सामने ही है, अगस्त में भी बहुत सारी चीजें परिवर्तित होंगी। और जो क्षेत्रीय दल हैं, खासतौर सपा, जिस तरह से मैं कल एक टीवी पर देख रहा था चैनल पर कि आजम खान जी ने वहां पर अपने ही समुदाय के लोगों के साथ अत्याचार किया है, मुस्लिम लीडर अपने आप को बना मानते हैं और मुस्लिम के साथ ही अत्याचार किया, और उस समय जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने कैसे नजरअंदाज किया जी, किस स्वार्थ में नजरअंदाज किया? दावा करते हुए मुस्लिम के बड़े हितैषी हैं, मुझे नहीं लगता है। तो ये सत्ता की कुछ मजबूरियां होंगी या उनके अपने कुछ निजी स्वार्थ होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा? जरूरत दो चीजें आपने कही, या तो निजी स्वार्थ हो सकता है, पता नहीं क्या है, सत्ता की मजबूरी हो सकती है, कह नहीं सकते क्या है, लेकिन जनता का भला तो कहीं भी नहीं नजर आ रहा है। कहीं नहीं हुआ जी। एक अगर आप यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, या तो अच्छी बात है, शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा काम हो रहा, और शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह की चीजें होकर के बनेंगी तो वहां के छात्रों के मन पर वहां की जो नेगेटिविटी आई होगी जी, उस जमीन में जो नेगेटिविटी होगी तो हाँ। वो कहीं ना कहीं आगे दूर तक भविष्य में दिखेगी, और भविष्य में क्या होगा वो नेगेटिविटी दिखेगी जरूर जी। और यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, अपना नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं और सवाल करें। कृष्णा चौरसिया, हमें अपने बेटे के बारे में बात करनी जी। पूछे जी। प्रणाम, आशीर्वाद। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 28 अक्टूबर 1999 दोपहर के 1:47 उसका पढ़ने में मन नहीं लगता है, और कुछ आगे क्या करेगा अभी उसे कुछ पता नहीं, BSc का थर्ड ईयर है, किस चीज की तैयारी करे? कृष्णा जी, आपको मैं मंत्र बता रहा हूँ, दो बार बोलूंगा, आप नोट कर लें। श्रीम ह्रीम सरस्वते स्वाहा, श्रीम ह्रीम सरस्वते स्वाहा। हमारे पास भी 3 विद्यालय हैं, दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन के नाम से CBSE स्कूल है, और मैं बच्चों को ये रटवाता हूँ, और उससे ये होता है कि वो बच्चे कैसे अपने आप को बेहतर तैयार करें, और मात्र ये सवेरे या शाम को 15 मिनट तक इसको जप कर लें, बिना किसी नियम के, बिना किसी संकोच के, बिना किसी बाधा के, क्योंकि ये इससे बुद्धि का विकास होगा, और बुद्धि में कोई धर्म नहीं होता। तो बुद्धि में कोई धर्म नहीं होता है, विकास होगा अगर इस मंत्र का आप इस्तेमाल करेंगी, जैसे कि आप चाहती हैं, भविष्य की चिंता है तो चिंता न करें, सकारात्मक भाव के साथ ये जो उपाय बताया है मंत्र रूप में, इसको जरूर आप उन्हें मंत्र जपने के लिए कहें। तो पंडित जी, जैसा कि समय है बड़े परिवर्तन का, कुछ बड़ा होने वाला है, लोग हर एक की जुबान पर यही बात है कि कुछ बड़ा होने वाला है, जो वहां के नेता हैं वो भी डर रहे हैं कि क्या बड़ा होने वाला है। आपसे अगर मैं पूछना चाहूं, क्या कुछ आपकी गणना कहती है, क्या कुछ ज्योतिष कह रहा है कि क्या बड़ा होने वाला है? आतंक का जो एक हवा खड़ा किया गया है जी, और जब आपको लगे कि 3 सड़कों पर हमारे घर से निकलने वाली जो सड़कें हैं जी, उस पर कहीं ना कहीं दुर्घटना हो जाएगी, तो वहां के रहने वाले लोगों का भी जीवन दुष्कर होगा, वहां जाने वाले नाते रिश्तेदारों का भी जीवन दुष्कर होगा जी। आज हमारे अमरनाथ के यात्रियों को रोक दिया गया,
अमरनाथ के यात्रियों को वापस कर दिया गया, सारे होटल खाली करा लिए गए, तो ये क्यों? ये सुरक्षा के लिए, तो कि कहीं ना कहीं वो अगर हमारे तरफ किसी दुर्घटना देने का या आतंकी घटना करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम उनको अब की इस बार इतना जबरदस्त सबक सिखा देंगे, इतना जबरदस्त सिखा देंगे कि 1971 की याद उनको ताजा करा देंगे। तो एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है आतंकवाद को कि देखिए अगर हम अपने पर आ गए तो आप जो है आपके पत्ते भी नहीं हिल पाएंगे, आप पर नहीं बिल्कुल हिला पाएंगे, हरकत करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन परिवर्तन का समय चल रहा है और वहां पर भी परिवर्तन का साया है। कुछ ऐसी जो धाराएं हैं वो हटाने की बात हो रही है, हो सकता है सितंबर तक धाराएं हट सकती हैं और हटा देना चाहिए। जी बिल्कुल, जब हम एक देश है, एक कानून होना चाहिए, एक देश में तीन लोग रहते, तीनों के लिए अलग अलग कानून हो, तीनों की अलग अलग व्यवस्थाएं हो, ये कौन सी परंपरा है? बिल्कुल। और यहाँ पर अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, अपना नाम बताएं और सवाल करें। हेलो, हेलो, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। नंबर नोट है आपके पास? हेलो, हेलो जी, अपना नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं और सवाल करें। नाम है अनु जी। अनु जी, सवाल कीजिए। मतलब अनु नाम है लड़की का जी, और जन्म तिथि है शनिवार 1987 जी, शनिवार दिन 3 जनवरी 8:15 दिन का समय। मैं चाहते हैं शादी के लिए, काफी विलम्ब हो रहा है जी। निश्चित रूप से विलम्ब हो गया है, लेकिन शादी उसके 2020 में हो जाएगी। अब देखिए हमारे यहाँ नैतिक बल कितना कमजोर है, हमारे देश में, हमारे शहर में, ये लड़की में इतना साहस नहीं कि वो अपने दादी या जो बुजुर्ग महिला उससे सवाल पूछा रही है और उनको बता रही है, ये बात सीधी पूछ सकती थी। इसे पूछने में कौन सा गुनाह था और कौन सी शर्म थी जी? किसी तरह की हिचक महसूस हो रही थी तो क्यों जी, वही क्यों थी हिचक? तो निश्चित रूप से आपने बताया है कि 2020 तक अगर होना चाहिए, जिन चीजों के लिए शर्म करना चाहिए उनके लिए करें, लेकिन अपनी बात पटल पर रखने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए, चाहे वो अधिकारी हो चाहे कोई व्यक्ति हो, आप अपनी बात जरूर करें, अपनी बात उसके सामने जरूर सीधी सीधी रखें, आपको सीधी सीधी जवाब मिलेगा। जब आप हिचक होंगी तो आपका आत्मविश्वास कमजोर होगा। तो जैसे कि आपने सवाल किया था विवाह को लेकर के, पंडित जी ने उसके बारे में तो बताया ही कि कब हो जाएगा, लेकिन इसके साथ ही जो अन्य समस्या महसूस की उसका भी समाधान दिया है और सलाह दी है, उस पर गौर करें, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। तो पंडित जी, बात हो रही है यहाँ पर जम्मू और कश्मीर में होने वाले बदलाव की। आपने बोला कि बदलाव होगा, संभावना बनती है, निश्चित तौर पर होना भी चाहिए, लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि अगर बदलाव होगा तो फिर उसके परिणाम स्वरूप किस तरह की स्थितियां बन सकती हैं, क्या कुछ चुनौतियां कुछ बनकर के सामने आएंगी सरकार की, और ये सब सवाल मैं आपसे करूंगी। लेकिन अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, अपना नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं और सवाल करें। हेलो जी, जी स्वागत है आपका, सवाल। हाँ, पंडित जी प्रणाम, आशीर्वाद। हाँ, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रहा था, उसकी जन्म तिथि है 20/10/1990 शाम को 5:26 जन्म स्थान कानपुर, की सरकारी नौकरी लगने का योग है? देखिए अभी शनि की छाया है जी, तो छाया दान करें, शुक्रवार की रात को एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें, उसमें अपना चेहरा देखे, जब सुबह हो तो फिर से उसमें चेहरा देखे और पीपल के वृक्ष को वो तेल अर्पित कर दे, और ये 20 जनवरी तक करता रहे, उसे सफलता मिलेगी। तो जो परेशानी, जो बाधा बन रही है इस सफलता को पाने में, उसका उपाय बता दिया है पंडित जी ने, इसको दूर करें, सफलता जरूर मिलेगी, निश्चिंत रहें, आशंकित ना रहें। तो पंडित जी, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि परिवर्तन की पूरी संभावना बन रही है और कुछ ऐसे ही परिवर्तन होंगे जो कि होने भी चाहिए, लेकिन प्रतिक्रिया स्वरूप क्या स्थिति बनेगी? देखिए यहाँ पर
जब बंटवारा हुआ जी, तो बहुत सारी चीज़ें थी, भाषा का, धर्म का, जात का, समर्पण का, देश प्रेम का, जिन आधार पर सब कुछ हुआ वो आधार सबके सब टूट गए जी। जब टूटे फिर से नई सिरे से नई तरह से लोग अपनी बातें करते हैं, तो कोई चीज भी स्थिर नहीं है जी। नहीं तो समझौते स्थिर होते हैं, शिमला समझौता हुआ वो भी अपनी जगह बहुत सफल नहीं रहा जी। देश में तमाम प्रकार के समझौते लागू होते हैं पड़ोस के देश से, तमाम सारी चीज़ें होती हैं, तमाम घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, हिंसा की घटनाएं होती हैं, आंदोलन होते हैं, लेकिन ये किसी में भी बहुत दूर तक चलने की क्षमता नहीं है। अगर कुछ थोड़ा बहुत छुटपुट घटनाएं भी होंगी तो बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाएंगी। और जनवरी से माननीय प्रधानमंत्री जी की जो स्थिति, गृह स्थिति है, बहुत मजबूत आने वाली है। जो छोटी छोटी चीज़ें उनको भी तंग कर रही हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें समाप्त होंगी। तो समय बताया है पंडित जी ने कि कब तक चीज़ परेशानियां बनकर के रह सकती हैं सामने, और कब ये दूर हो जाएंगी और आगे बढ़ेंगे, काम अच्छे से होगा। और यहाँ पर और भी बहुत से सवाल हैं, लेकिन यहाँ रुकेंगे। एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे लेते हैं उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, अपना नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं, सवाल करें। हेलो जी, सवाल कीजिए, स्वागत है आपका। हाँ पंडित जी, कह सर आशीर्वाद। हम साहब जी जाना चाहे, हमारी पोती है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 11 अगस्त 1994। क्या जानना चाहते हैं? उसकी उसकी शादी साहब कब तक होगी? 2020 और 21 में। उसकी शादी कब तक होगी? 2020 और 21 में। तो सीधे सवाल का सीधा जवाब दिया है। परेशान लग रहे थे कि भाई हर कोई चाहता है कि पोती है, देखना चाहते हैं उसकी शादी। हाँ, हमारे सामने सारा कुछ हो जाए, हम बेहतर से बेहतर कर सकें, हमारा बेटा हो सकता है उतना अच्छा ना कर पाए, उस पर उतना भरोसा ना हो, या फिर अपने कुछ सपने हैं। हाँ, होना भी चाहिए। एक दादा और दादी, नानी नाने के अपने एक सपने होते हैं, और उनको संजो करके भी रखना चाहिए, उन्हें साकार भी करना चाहिए। तो बहुत खूबसूरत सपना है आपका, जल्द ही पूरा होगा। 2020 तक का समय जैसा कि बताया है, तब तक तो हो ही जाना है। तो पंडित जी, जैसा कि आपने कहा कि जो परिवर्तन होगा उससे हो सकता है उथल पुथल पिछले समय में भी हुई है, जब भी कोई बड़ा काम किया जाता है अभी भी होगी, लेकिन एक बात है कि जो कदम उठाया जा रहा है वो सही है, जरूरी है और होना चाहिए। क्या कहेंगे आप इस पर? एकदम सही है जी। एक देश में एक कानून रखना चाहिए, आपके लिए कोई कानून, हमारे लिए कोई अलग कानून, विधायक के लिए अलग कानून, सांसद के लिए अलग कानून, कैसा? ये नहीं चलेगा जी। अब बहुत इस देश का नागरिक बहुत समझदार हो गया है, छोटी छोटी बातों पर हिंसा इसलिए उतारू होता है कि उसका आपके कानून में वो नहीं है, भरोसा नहीं रहा। अभी आज ही अखबार में एक समाचार था, एक कुछ बच्चों ने कुछ किसानों की, अपने गांव के किसानों की हत्या कर दी। बच्चों ने? हाँ, बच्चों ने। जब उन्होंने हत्या कर दी तो उन्होंने कहा कि एसपी ने कोई सवाल पूछा, ग्रामीण एसपी, जो अखबार में ही किसी अखबार में मैं पढ़ा रहा था, अभी पढ़ा रहा था जी। तो कहता है कि आप तो ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जैसे आप मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। मतलब उसको कानून पर कितना, कानून के लिए जो है एक एसपी या एसएसबी से जिससे भी बात कर रहा था, तो उसको भी कुछ नहीं समझ रहा था जी। उसको लगता था हम, ये तो बड़ी सामान्य बात है, मार दिया मार दिया। तो ये जब स्थिति आ जाती है, सत्ता के प्रति भय नहीं रहता, कानून के प्रति भय नहीं रहता है, तो परिवर्तन नेचर फिर करता है जी। तो भय होना जरूरी है, जो चीजें, जिसके जो अधिकार हैं, जो जिसकी भूमिका है, मुझे लगता है वो उसे अच्छे से निभानी चाहिए, लेकिन सब समान है, ऐसा नहीं कि किसी के लिए नियम कुछ है और अगले के लिए नियम कुछ हो। पंडित जी, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जैसा कि परिवर्तन का समय है, और आपने बताया कि अगस्त से लेकर सितंबर तक अभी समय बचा है परिवर्तन का, तो मैं चाहूंगी कि इस पर मैं आपसे डिस्कशन करूं। अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, अपना नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं और सवाल करें। हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका, सवाल करें। मनोज बाजपेयी बोल रहा हूँ जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। जी जी, सुन रहे हैं।
जी हाँ, अरे नंदिनी जी जी, अरे ये हम अपनी बेटी के विषय में जानना चाहते थे जी। ये इसका जन्म जो है 30 अप्रैल 1996 है और टाइम है इसका 12:55 दिन में। जी क्या पूछना चाहते हैं इनके बारे में आप? 12:50 इनके विषय में ये जानना चाहते हैं कि इनका इनका मन नहीं लगता है कि किसी काम में और पेट में हमेशा इनके दर्द बना रहता है, आलस से बहुत करती है ये। सुबह आप अपनी बेटी से कहिए उठना शुरू कर दें, सूर्य के सामने बैठे 15 मिनट तक सूर्य को देखती नहीं और मौन रहे, मोबाइल को अपने पास 1 घंटे से ज्यादा ना रखें जी, ठीक हो जाएंगे। तो ये उपाय बताया है आपने, करीब कितने दिन में असर दिखने लगेगा इन्हें? दिवाली होली तक जी। तो देखिए आपका सवाल आपने किया, जवाब मिला, साथ ही मैंने भी पूछा कि कब तक इसका असर दिखने लगेगा, क्योंकि पेशेंस नहीं होते हैं युवाओं में, जब तक असर नहीं दिखेगा उन्हें लगेगा नहीं कि भाई ये करना ठीक है, कारगर है, तो होली तक असर दिखने भी लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो पंडित जी मैं भी चाहूंगी कि जितने भी परिवर्तन होने वाले हैं हम चाहें उसको अच्छे से समझ लें और मेंटली प्रिपेयर रहें। हमारी क्या भूमिका है, कैसे हम इन परिवर्तन को डील कर सकते हैं, इसके बारे में बात करना चाहूंगी। कश्मीर मुद्दे पर आपने स्पष्ट कर दिया, और क्या परिवर्तन हो सकते हैं? देश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की जी कि लगभग यहाँ 22 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है जी, 22 करोड़ पेड़ लगाएंगे इस वर्ष जी, और संभवतः 1 दिन में लगाने की बात है, 1 दिन में जी। अगर वो गिनीज बुक ऑफ द रिकॉर्ड के लिए लगाया जाता तब तो कोई बात नहीं है जी, अरबों रुपए का व्यय है, वो देश की जनता का पैसा है, किसी व्यक्ति का नहीं पैसा है, न शासन का पैसा है न सत्ता का पैसा है। इस बात का ध्यान जरूर रखा जाए कि जो पेड़ लगें उसमें कम से कम 10% जीवित रहे। महज 10% की बात कर रहे हैं, बहुत फ्लेक्सिबल एक आपने कंडीशन रखी है। जितने अब तक आंकड़े उत्तर प्रदेश सरकार के आ गए हैं, पूरे संसार में पेड़ लग गए होते जंगल जंगल हो जाता जी। तो ये जो योजना संस्थाएं भी जो है जो पेड़ लगाती हैं, पेड़ लगा दिया, पेड़ लगाने के बाद चली जाती हैं और हर वर्ष स्कूलों में पेड़ लगाए जाते हैं जी, कहीं 50 लगाए जाते हैं, कहीं 100 लगाए जाते हैं, कहीं 150 लगाए जाते हैं। उनकी अगर संख्या देख ली जाए तो कक्षा में भी पेड़ लग गए होंगे जी, क्योंकि जगह नहीं होगी जी, लेकिन फायदा कुछ नहीं। वो ट्रेडिशनल पर्व की तरह से नहीं मनाया जाए, इनको आवश्यकता के अनुसार मनाया जाए कि आवश्यकता है पेड़ आपके लिए, कल भविष्य आप जिस बच्चे के लिए पेड़ लगा रहे हैं, आप अगर बाबा दादा नानी पिता चाचा ताऊ हैं, कहीं ऐसा न हो जाए कि आने वाले समय में आपके नाती पोते ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर चले। अगर ये सोच करके आप लगाएंगे, स्वास्थ्य के लिए कितना आवश्यक है, जीवन के लिए कितना आवश्यक है, तो निश्चित रूप से आपको पेड़ फलीभूत होगा और पेड़ से ज्यादा दाता संसार में दूसरा कोई नहीं है। बहुत ही अहम और गंभीर बात कही आपने पंडित जी। अगले कॉलर भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, अपना नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं और सवाल करें। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते, मेरा नाम मयंक यादव है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 अप्रैल 1987, मेरा जन्म स्थान है छतरपुर मध्य प्रदेश, और मेरी कुंडली में सर पंच दिखाया है तो मांगलिक दोष से जैसे शादी नहीं हो पा रही और सर जॉब नहीं मिल रही। पंडित जी कभी 2 भर्तियां फंसी हुई है, टीचर भर्ती, क्या करूं, जॉब ही की तलाश करूं या कोई बिजनेस बेचे, क्या करूं? धैर्य का बेटा कभी त्याग नहीं करना चाहिए, जिस समय आप धैर्य छोड़ देंगे सफलता उसी समय समाप्त हो जाएगी। हमेशा राजनेताओं को देखिए कि 10-10, 15-15 साल वो बाहर रहते हैं और उसके बाद वो सत्ता में आ जाते हैं, तो कितना धैर्य उनमें। किसान खेत में बोता है और धैर्य रखता कि इसमें फसल आएगी, वो भी धैर्य रखता है।
विद्यार्थी को भी इसी प्रकार से धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। आप धैर्य रखें और भगवान शिव की उपासना करें, उनको गन्ने का रस जो है, गन्ने का जो जूस है, वो उन पर नियमित रूप से चढ़ाएं और खास तौर से कल जरूर चढ़ाएं। तो खास तौर पर कल जरूर चढ़ाएं, कल का दिन बेहद खास है, जैसे कि शुरुआत में भी हमने इस पर चर्चा की। और अच्छी बात ये लगी कि जब आपने इन्हें उदाहरण दिया धैर्य का, तो राजनेता का भी उदाहरण दिया, जो बहुत मुश्किल होता है उनका किसी भी अच्छे काम के लिए उदाहरण दे पाना। सबसे ज्यादा धैर्य उसी में होता है जी। वो अगर 95 साल का भी हो गया, उससे कहिए कि आप पार्लियामेंट का टिकट के लिए आपका नाम कभी ना नहीं करेंगे, ना नहीं करेंगे जी। ये तो मोदी जी ने आकर के 75 साल की सीमा लगा दी है, देखना ही है कि वो कितना लागू, कितना कारगर हो पाता है। नहीं, जो खास लोग हैं उन पर कितना लागू कर पाते, कितना नहीं लागू कर पाते, ये कब हो पाएगा कि नहीं, आने वाला समय बताएगा। लेकिन ऐसी बहुत सी बातें हैं आने वाले समय में जिसके बारे में पंडित जी पहले से ही बता देते हैं। और मैं चाहती हूँ, मेरी कोशिश यही है कि जो आगामी 2 महीने बचे हैं, परिवर्तन का समय है। पहले भी बोला है, बहुत से परिवर्तन हमने देखे, और आगे के जो परिवर्तन होने वाले हैं वो क्या परिवर्तन होंगे और हम कैसे उसके लिए तैयार रहें, हमारी क्या भूमिका हो सकती है कि उन परिवर्तनों को सकारात्मक तौर पर हम देख सकें और हमारी जो रोल हो वो सकारात्मक हो, क्या लगता है और क्या परिवर्तन होंगे? जब परिवर्तन ग्रह नक्षत्र करते हैं जी, तो वो चेंज इन करके नहीं परिवर्तन करते हैं जी, ये राजनेता अधिकारी और हम और आप करते हैं जी। ग्रह नक्षत्र जो है परिवर्तन करते हैं, तो सब तरफ करते हैं, अधिकारियों में भी परिवर्तन होगा, एक साथ भी हो सकता है ये। और तमाम सारी चीजें परिवर्तन होंगी, तो ये परिवर्तन होगा, सत्ता में भी तमाम सारी चीजों का परिवर्तन होगा, आपके व्यापार में परिवर्तन होगा। लगातार बढ़ती जा रही, सोना 35,000 को क्रॉस कर गया जी, इससे बड़ा और क्या परिवर्तन चाहिए? तो परिवर्तन व्यक्तिगत भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है और राजनीतिक भी हो सकता है, बहुत सारी बातें हैं। यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। इसमें है 52% धाकड़ प्रोटीन, जो 15 कटोरी दाल या 16 अंडों या 17 दूध के ग्लास के बराबर है। न्यूट्रेला, हेल्दी रहना सिंपल है। कदम बढ़ाइए सुनहरे भविष्य की ओर, MGI झांसी के साथ। MGI की सफल ब्रांच मॉडर्न कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अप्रूव्ड बाय AICTE न्यू दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लखनऊ। अपनी पॉलिटेक्निक को कंप्लीट करें। इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सभी शाखाएं, कैट, प्रोडक्शन और ऑटोमोबाइल के साथ। शैक्षिक योग्यता 10वीं पास, सीट्स लिमिटेड। मॉडर्न कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, कोचा भावर, कानपुर रोड, झांसी। सिटी ऑफिस पॉलिटेक्निक, MPS CIC कैंपस, चौखान पार्क, झांसी। कॉल फॉर एडमिशन 7348-55-00-11। ग्रैंड कीथ होटल्स, कंफर्ट, लग्जूरियस, एक्सक्लूसिव, एक्सेलेंट रूम्स एंड स्वीट्स विद मॉडर्न फैसिलिटीज, बैंक्वेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट, एंड जिम ओपन शॉर्टली विद लग्जूरियस सर्विसेज। ऑल्सो यू कैन बुक अस ऑन मेक माई ट्रिप एंड गो IBIBO। ग्रैंड कीथ होटेल्स, द मॉल, कानपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 0512-237-1024-237-1046, 9792-000-685। Visit us on www.grandkeithhotels.com।
न्यूट्रेला सोया चंक्स, इसमें है 52% धाकड़ प्रोटीन जो 15 कटोरी दाल या 16 अंडों या 17 दूध के ग्लास के बराबर है। न्यूट्रेला, हेल्दी रहना सिंपल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्योतिष लाइव, जिसमें आज चर्चा हो रही है परिवर्तन का जो दौर। पंडित जी, जैसा कि आपने बताया था कि पिछले 4 महीने जो अगले 4 महीने होंगे वो परिवर्तन का समय होगा, उनमें से 2 महीने निकल चुके हैं, बड़े परिवर्तन हमने देखे और आगामी जो समय है वो भी परिवर्तन की ओर है। सभी बिल्कुल तैयार हुए हैं कि आने वाला जो समय है आखिरकार क्या होने वाला है। कश्मीर का बड़ा मुद्दा जिस पर स्पष्ट राय रखी, और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन अगले कॉलर जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, अपना नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं और सवाल करें। हाँ पंडित जी प्रणाम, हमारा नाम प्रकाश चंद्र वर्मा है और हमारे नाते के बारे में हमें पूछना है। 16/5/2015 में उसका जन्म हुआ है और रात को 8:05 पर जन्म है ग्वालियर का, तो वो कुछ अजीब अस्वस्थ रहता है बराबर, उसको कुछ मानसिक पीड़ा भी है और बेल भी नहीं पा रहा है, सुन भी नहीं पा रहा है, तो ये सब दिक्कत है। बराबर डॉक्टरों से जांच हो रही है, तमाम हमने पीजीआई तक जांच कराई, तमाम और सब चीजें सब करा रही, लेकिन अभी वो स्वस्थ हो नहीं पाया है। तो आपसे जानना चाहते हैं क्या उसका भविष्य कैसा रहेगा, क्या हो पाएगा? अभी तो उसकी जो ग्रह स्थिति है वो काफी ठीक नहीं है। अच्छा, और हाँ, आप एक काम करिए कि महामृत्युंजय का जप उसके लिए जरूर करा दीजिए। अच्छा, हाँ, थोड़ी देर जो है सुबह उठ करके माँ 5-10 मिनट जो है सूर्य के सामने मौन हो करके बैठे, बच्चे को जब अपने पास रखे तो उसके साथ में मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल ना करें। तो आपको मिला आपके सवाल का जवाब। पंडित जी, मेरा सवाल यही है कि देखिए, हर चीज आपने जैसा कि कहा, ग्रह और नक्षत्रों पर डिपेंड करता है कि क्या परिवर्तन होंगे, कैसे परिवर्तन होंगे, वो उसका आधार होते हैं। इस वक्त की अगर समय की बात की जाए पूरे देश की, तो जगह जगह बाढ़ की भी स्थिति है, लोग परेशान हैं, एक एक जीवन बहुत बहुमूल्य होता है, एक एक इंसान का दुख उसके लिए बहुत है, हमारे लिए भी होना चाहिए। क्या लगता है कौन से ग्रह और नक्षत्र के चलते ये स्थिति बन रही है और पार कैसे पाया जाएगा इस पर? प्रदेश सरकारों के पास आपदा बजट जो है करोड़ों का होता है जी, उसके बावजूद भी व्यवस्था नहीं कर पाते, यानी प्रकृति के सामने वो सरेंडर है जी। तो फिर जो इनका मौसम विभाग है क्यों कहता है कि इस वर्ष पानी नहीं बरसेगा, बहुत कम बरसेगा, सामान्य से भी बहुत कम वर्षा होगी जी, ये प्रारंभ में इनका विभाग कह चुका। ज्योतिष वर्ग कह रहा था इस बार बाढ़ आएंगी, बाढ़ में बहुत तबाही होगी जी। दोनों के पिछले 25 साल के रिकॉर्ड चेक कर ली जाए, एक 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 की भविष्यवाणी करना बंद करा दिया जाए, दूसरे की रखी जाए जी, जिसकी सही हो उसकी रखी जाए। ऑब्वियस सी बात है कि जो मान्य है, जो अपने आप को प्रूफ कर चुका है, फिर वही उसी की भविष्यवाणी वैल्यू भी रखेगी। ग्रह नक्षत्र सही है या आपका मौसम विभाग सही है, देख लीजिए। तो ग्रह और नक्षत्रों के मुताबिक, तो जैसे कि कहा कि भाई इस बार पानी बहुत होगा, बाढ़ें आएंगी और वो हो भी रहा है, तो क्या लगता है कि ये अब हम क्यों इतना पीछे रह जाते हैं? हम इतने बड़े बड़े मिशन चलाते हैं, अंतरिक्ष में अपनी उपलब्धि दर्ज कराते हैं, लेकिन जहाँ ये बेसिक चीजें हैं, पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे, लोग परेशान हो रहे हैं, हम अपनी पृथ्वी का पानी तो संभाल नहीं पा रहे, जबकि दूसरे ग्रह पे मून पे जाकर के वहां का पानी ढूंढ रहे हैं, क्या लगता है हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए? हमारी, हम बहुत गंभीर नहीं रहते जी। ठीक है, आदमी बहुत लॉजिक देने लगता है, कभी राजनेता से बात करो तो कहता साहब जितने लोग कैंसर से नहीं मरते उससे ज्यादा दुर्घटनाओं से मर जाते हैं। अभी कोई लॉजिक है तो कैंसर का इलाज बंद कर दिया जाए, क्या किया जाए, अस्पताल बंद कर दिए जाए, क्या मतलब है इस बयान का जी? तो जो इस तरह की चीजें हो रही हैं, इसका मतलब आपके लिए मनुष्य का जीवन महत्वपूर्ण नहीं है। जब आपके परिवार के साथ कोई दुर्घटना होती तो आप उस पर जो है बहुत गंभीर हो जाते हैं। एक तरफा जो आपकी सोच है, सत्ता में कोई भी रहा हो,
कोई भी सरकार रही हो, जब केवल और केवल वो सत्ता की सोच में रहेगा कि इससे हमारे लाभ क्या है, इससे हमारी हानि क्या है, बाकी लोगों को क्या लाभ और हानि है उससे उन्हें अगर कोई मतलब नहीं रहेगा, तो बहुत दिन तक बहुत लोग, जब कभी ये लोग कहते थे कांग्रेस का या विक्टोरिया का सूरज कभी अस्त नहीं होगा जी, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये सामने आ चुका है, क्या हुआ कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, अपना नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं, सवाल करें। जी, मेरा नाम विनय कुमार सिंह। जी विनय कुमार जी, सवाल कीजिए। जी हाँ, मेरा नाम विनय कुमार सिंह है। जी हाँ, मैं ये बात करना चाहता था सर कि मैं विदेश में 3 बार गया हूँ सर। हाँ, मैं विदेश में 3 बार गया हूँ सर, तीनों बार जाने के बाद में मेरे को सफलता नहीं मिली है। और अब हम दोबारा फिर जा रहे हैं चौथी बार सर। मेरा बच्चा भी नौकरी पे, इस वक्त नौकरी नहीं कर पा रहा, बेरोजगार है। तो आगे सर क्या ऐसे ही दिन रहेंगे क्या विदेश? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं रहेंगे। आपकी जब जाइए तो 18 सितंबर के बाद जाइए, जब शनि बकरी, कोई ग्रह बकरी होता तो उसकी गति जो है और तेज हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है, और शनि ही विदेश के लिए बेचता, तो 18 सितंबर के बाद जाइए, आपको सफलता मिलेगी। तो पिछली वो क्या तारीखें थी वो तो हमें पता नहीं, लेकिन जैसा कि इस बार आपने सवाल, मिलेगी सफलता मिलेगी, और आप किसी दिन आकर के मुझसे मिल लीजिए तो हम तारीख भी बता दें कब जाएं, जिससे आपको सफलता मिले। तो निश्चिंत हो जाएं, सफलता जरूर मिलेगी, इस बार सोच समझ करके कदम उठाइए, सही तारीख और सही मुहूर्त पर निकलेंगे तो सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। पंडित जी, जैसे कि मेरा सवाल था कि इतने परिवर्तन का समय चल रहा है और कुछ ऐसी चीजें भी घटित हो रही हैं इस दौरान जो कोई भी नहीं चाहता कि हो, हर जान बेश कीमती है, और बाढ़ से महज पानी के चलते लोगों की जान जा रही है, लोग भूख से परेशान है, जबकि हम इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, अपनी सफलता उपलब्धियों के झंडे गाड़ रहे हैं, क्या लगता है हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए यहाँ पर? देखिए, सरकार की मंशा ठीक है, मंशा ठीक है, पहला पॉइंट। हाँ, प्रधानमंत्री जी जो योजनाएं बनाते हैं वो योजनाएं आम आदमी तक पहुंचाने के लिए वो तो नहीं पहुंचाएंगे जी, आदमी यही है, वर्षों से उनके जो कार्य प्रणाली रही है उस कार्य प्रणाली में उनको वर्षों से भ्रष्टाचार पनप चुका है जी। आज कोई भी ये दावा कहता है कि इस देश से भ्रष्टाचार समाप्त हो गया तो ये मानने को, ये आप ही मान लीजिए, वो ये कहता कि सूरज आज निकला ही नहीं है, पिछले 15 दिन से नहीं निकला जी, ये इतना असंभव है, असंभव है। अगले कॉलर भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, अपना नाम बताए, डेट ऑफ बर्थ बताए, सवाल करें। मेरा नाम है क्षमा शुक्ला, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ जी, उनका डेट ऑफ बर्थ बताए। 7/8/1962 पूछे, क्या पूछना पति हाँ, के बारे में पूछना ये कि हमारे पति का आजकल कोई काम नहीं बन रहा, पहले वो शहर का काम करते थे, फिर वो टैंकर लगाया, अब कोई काम नहीं बन रहा। उनसे ये कहिए कि 9 40 खरीद लें, हर दिन एक 40 हर 9 दिन 40 पढ़े और पनकी मंदिर में जाकर के वो 40 रख दें, फिर 9 खरीद लें, फिर इस तरह करें, तो कुछ दिन करेंगे तो उनको अपने आप महसूस होने लगा कि काम चल, काम कैसे क्या करें क्या नहीं करें। साथ ही इनको ये भी पूछना चाह रही है कि अगर काम नहीं बन रहा तो कोई काम आप सजेस्ट करना चाहें कि इस चीज का काम इनके लिए सही रहेगा। कोचिंग शुरू कर दें, कुछ पढ़ाने की अगर उनकी रुचि है तो पढ़ाना शुरू कर दें, बच्चे विद्यार्थी मिलना शुरू हो जाएंगे, धार्मिक वस्तुओं का काम शुरू कर दें, स्टेशनरी के काम शुरू कर दें, इन सारी चीज़ों का काम कभी, और अगर खाने पीने की रुचि है तो उस तरह का कोई रेस्टोरेंट शुरू कर दें। तो आपकी शंका का समाधान भी बताया, क्या उपाय करना है ये भी बताया, और सजेशन जैसा कि आपने मंगा ये भी आप जान चुकी हैं, तो अब निश्चिंत रहें और पूरे सकारात्मक भाव के साथ इसी दिशा में प्रयास करें, सफलता अवश्य मिलेगी। तो पंडित जी, जैसे कि हम चाह रहे हैं कि हर विषय पर बात हुई, बड़ी बड़ी बातें की हमने, जम्मू कश्मीर की बात की, बड़े बड़े क्या धाराएं हैं वो हटाने की बात हो रही है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐसे में आम जो एक मामूली इंसान है, गरीब इंसान है, वो भी उतनी ही अहमियत रखता है, तो उस पर आप आगे बढ़े। अगर देखिए सर, मैं कह रहा था कि सरकार की मंशा एकदम ही पवित्र है जी, और सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन हमारे जो
नीचे की कड़ियां हैं उतनी ज्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई, इतनी ज्यादा लिप्त हो गई हैं कि केवल वो उसी तरफ देख रही हैं जी, सिर्फ अपना फायदा। हाँ, जबकि ऊपर से पैसा आता, नीचे तक पैसा पहुंचते 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 जो योजना बनाई गई है, रोजाना आप देखिए कि सरकार की जो तमाम सारी योजनाएं, योजनाओं का पैसा तो आ रहा है लेकिन वो योजना के बारे में जानकारी उस गांव के लोगों को नहीं है, और जब गांव के लोगों को जानकारी नहीं है तो उनको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा जी। वो पैसा कहाँ जा रहा है ये आप खुद समझ लीजिए। तो और जब तक हर व्यक्ति को अपने अधिकार के बारे में ज्ञान होगा, तमाम सारी चीजों का ज्ञान होगा, ठीक है थोड़ा बहुत समय लगेगा लेकिन वो समय आएगा जरूर। तो समय हो सकता है कि लग जाए लेकिन समय जरूर होएगा, लेकिन जरूरत ये है कि अपने अधिकारों का और अपने कर्तव्यों का बोध जरूर हो, इसके बिना इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद, ये जानकारियां आपने हमारे साथ साझा की, उठाइए इसका लाभ। और इसी के साथ आज के ज्योतिष लाइव में इतना ही, अगले रविवार फिर हो जाएंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति, नमस्कार। We'll be right back.